किस चीज का ऑपरेशन हुआ था? मेरा आज भी बच्चेदानी में मेरे को गांठ हो गई थी एक, तो फिर वो उससे धीरे धीरे पेन भी बढ़ता गया, मुझे ब्लडिंग बहुत होने लग गई थी। तो फिर आपने ऑपरेशन कराया? का ऑपरेशन फिर हमने करवाया है। तो आपने खुले टाको वाला नहीं करा के दूरबीन का ऑपरेशन कराया था? हाँ, तो आपको फिर ऑपरेशन के कितनी देर बाद खाना पीना अलाउ कर दिया था? उनको तो 4 से 6 घंटे भी बोल दिया था, पानी वगैरह पी लिया था, उसके बाद जूस चाय नाश्ता बोल दिया था हल्का हल्का लेने को, तो जल्दी फ्री कर दिया था। और ऑपरेशन के बाद आपको कितना दर्द महसूस हुआ था? ज्यादा नहीं हुआ था, मुझे तो काफी अच्छा लगा ये ऑपरेशन के बाद, टाइमली फ्री हो गए थे। और आपका डिस्चार्ज कितनी देर बाद कर दिया था ऑपरेशन के? ऑपरेशन के 24 घंटे बाद हमको बोल आप दिया अपने था घर चले जा गए सकते थे, हैं। जा सकते हाँ, आराम लोग से, आराम से जा आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे कंफर्टेबल थे। तो बिल्कुल। आपको दूरबीन का ऑपरेशन करा के क्या कैसा महसूस हुआ, कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई हमें दूरबीन का कराना चाहिए या खुले टाको वाला कराना चाहिए, उसके क्या क्या फायदे आपको लगे? काफी अच्छा लगा, मेरे हस्बैंड और बताएंगे, ये तो काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है। बेसिकली हम लोग जब मायोमेक्टमी कराने का प्लान कर रहे थे, तो हम लोगों का ये था कि हम बॉम्बे दिल्ली बेंगलोर सर्च कर रहे थे, बट जैसे हमें सुशीला सैनी मैम का नाम आया तो फिर हम यहाँ आए, और आई थिंक शी इज़ द फाइनेस्ट डॉक्टर एवर। और उन्होंने मतलब जिस तरीके से हमें सेटिस्फाई किया है, और जो हमारी फाइब्रॉइड का साइज था वो उन्होंने रिमूव किए, मुझे दिखाया गया वो साइज, तो मतलब ऑब्वियसली कि मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ। और मायोमेक्टमी अगर आपको करानी है तो मेरे ख्याल से इट्स द दुर्बिन हॉस्पिटल द वन ऑफ द फाइनेस्ट हॉस्पिटल फॉर मायोमेक्टोमी। मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब बहुत ही अच्छा लगा है। और यहाँ का स्टाफ मेंबर सीमा मैम है, जैसे मंजू दीदी वगैरह, मतलब सब बहुत अच्छे लगे, सबका नेचर बहुत ही अच्छा लगा। जब भी हम कॉल करते, कॉल रिसीव होता है और हमें अच्छे से मतलब अटेंड किया जाता है, तो हम बहुत सेटिस्फाइड हैं इस हॉस्पिटल से और सब स्टाफ से, मैम से। थैंक यू सो मच।